नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दोनों शहर में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका ध्यान आकृष्ट कराते हैं और उसके बाद आपका कीमती सामान या पैसे गायब कर देते हैं। दरअसल इनका एक तरीका होता है, ये बिस्किट जैसी कोई चीज पानी में घोल लेते हैं और उसके बाद वो वस्तु किसी भी आदमी के कपड़ों में लगा देते हैं और दूसरा आदमी ये ध्यान आकृष्ट कराता है कि उसके शरीर में या उसके कपड़ों में कुछ गंदगी लगी हुई है। जैसे ही व्यक्ति यहाँ गंदगी धोने के लिए तैयार होता है, दूसरा उनका साथी सामान पार कर देता है। एक ऐसा ही वाकया बिल्कुल बस स्टैंड पर स्थित पेट्रोल पंप पर हुआ। यहाँ पर सोमेंद्र तिवारी नाम का शख्स, जो कि चौबे कॉलोनी का निवासी है और हल्दीराम की कंपनी में कलेक्शन का काम करता है, वो कलेक्शन के लगभग 53,000 रुपये बैग में लेकर पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ था। तभी दो तीन लोग यहाँ पर आए और उसके पीछे कुछ गंदगी लगे होने की बात कही। सोमेंद्र ने बैग गाड़ी में रखा और जैसे ही गंदगी छुटाने का प्रयास किया, तभी दूसरे छात्र ने बैग पार कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तिवारी हैं जो हल्दीराम के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कलेक्शन जन काम करते हैं। कुछ पैसे कलेक्ट करके और शाम को अपनी माँ का इंतजार बस स्टैंड पर कर रहे थे, तभी किसी एक व्यक्ति ने आकर उनसे बोला कि तुम्हारे पीछे कुछ लगा हुआ है और तो ये अपने गले में जो बैग टांगे थे उसको नीचे रख के और उसको साफ करने लगे। तब वापस ने देखा तो उनका बैग गायब हो चुका था। तो इस आधार पर अपराध दर्ज किया गया है और पुलिस विवेचना कर रही है। उन्होंने करीब बताया कि 53,000 रुपये के आसपास पैसे जो कलेक्ट करके लाए थे वो पैसे थे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको सीधी खबर इस बुलेटिन में छतरपुर शहर की। छतरपुर शहर स्थित महोबा रोड के पास न्यू मॉर्निंग स्कूल में स्विमिंग पूल का एक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें तमाम प्रकार के स्कूल संचालक विजय सोनी और उनके स्टाफ के साथ में मिलकर एक इस पूरे स्विमिंग पूल दिवस को बड़ी उत्साह के साथ मनाया, जिसमें बढ़ चढ़ कर बच्चों ने भी हिस्सा लिया। स्विमिंग डे को मनाते हुए बच्चों ने तमाम प्रकार की एक्टिविटीज, स्विमिंग पूल की एक्सरसाइजेस के साथ में उसके फायदे भी जाने, जिसमें स्विमिंग का मजा लेते हुए साफ तौर पर बच्चों को भी आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि स्कूल के द्वारा समर वेकेशन के तौर पर इस पूरे खास कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें स्विमिंग पूल डे के नाम से न्यू मॉर्निंग स्कूल में यह खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। एंड ये आज आप लोग देख रहे हैं कि हमने अपने स्कूल में एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की हुई है, जिसके काफ़ी सारे उद्देश्य, मेन हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग बच्चों को एक एक्सरसाइज नहीं बच्चे करते हैं, बच्चों के एक अंदर ये होता है स्टडी करते करते बच्चे थक गए या फिर कुछ है तो इसके थ्रू एक लेजीपन नहीं रहता है। तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि ताकि जो भी बच्चा हमसे जुड़े या जो भी हो, तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये स्विमिंग क्या है, एक्टिविटी क्या है एंड एक्सरसाइज जो बच्चे घर पर नहीं करना चाहते इसके थ्रू वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर छतरपुर शहर की। यहां शहर स्थित महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में मलेरिया दिवस को मनाया गया, जिसमें स्टाफ के साथ तमाम प्रकार के छात्र छात्राएं भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहाँ पर मलेरिया से बचने के उपाय भी स्कूल के प्राचार्य के द्वारा बताए गए। स्कूल में चल रहे सेमिनार के माध्यम से स्कूल के प्राचार्य सी के शर्मा ने बच्चों को उद्बोधन देते हुए बताया कि आज मलेरिया दिवस के रूप में इस तरह का कार्यक्रम स्कूल द्वारा कराया जाए का एकमात्र उद्देश्य है शहर, प्रदेश, देश व राष्ट्र इस तरह की बीमारियों से मुक्त हो सके। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मतदान महादान के लिए जागरूकता के माध्यम से अपने माता पिता व रिश्तेदारों को जागरूक करने का एक संदेश भी कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जहां पर स्कूल के प्राचार्य सी के शर्मा के साथ स्टाफ व छात्र छात्राएं मुख्य रूप से मौजूद रहे। जो रिलेटेड देश है वहाँ पर सब जगह पर इस दिन को मलेरिया डे के रूप में मनाकर हम ये बताते हैं कि हम कैसे मलेरिया जैसे बुखारों से प्रिकॉशन लें, मेजर लें और मलेरिया रहित देश बनाए, राष्ट्र बनाए और इस धारा को बनाए। इस उपलक्ष्य में बच्चों को बताया है कि धरती को हरा भरा सुंदर रखें, जिससे कि कहीं पर भी कोई इस तरह बीमारी किसी भी व्यक्ति को ना हो। हाँ, साथ साथ में हमारी जो भी हमें एक्टिविटी हो रही है तो हम एक एक्टिविटी में बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने मम्मी पापा को, अपने रिलेटिव्स को वोट देने जरूर भेजें। नमस्कार।
नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए जानते हैं इस खास खबर पर। यह खबर है छतरपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सांख्यिकी विभाग की। सांख्यिकी विभाग में जिला योजना अधिकारी एवं सांख्यिकी अधिकारी आर के साकेत पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अमित पटेरिया ने आरोप लगाया है कि यह ना तो कार्यालय में बैठते हैं और कई दिनों तक कार्यालय में दिखते भी नहीं है, और साथ में यहाँ पर केवल एक ही ब्लॉक पर उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है जो कि बक्सवाहा ब्लॉक है। जितनी जो योजनाएं आती हैं सारी योजनाओं का लाभ केवल एक ही ब्लॉक में दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम प्रकार के आरोपों को लेकर अमित पटेरिया ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है, तो वहीं अन्य विभागों में भी शिकायत दर्ज करते हुए इन्होंने मांग की है कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और 2-3 साल से इस कार्यालय में पदस्थ भी हैं, इसके बावजूद भी इनके द्वारा अन्य ब्लॉकों में कार्य नहीं किया जा रहा है। ये जो राजेश कुमार साकेत है, ये जिला योजना एवं अधिकारी है। ये यहाँ पिछले 8 वर्षों से जमा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में लंबे समय से जमा हुआ है। ये कुछ चुनिंदा सरपंचों को बक्सवाहा ब्लॉक में जो इसके सरपंच सेट हैं जिनसे आर्थिक, वहीं पिछले कम से कम 3-4 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि उन्हें अपनी पसंदीदा पंचायतों को काम देता है, जबकि जिले में 8 ब्लॉक हैं। अन्य किसी भी ब्लॉक में स्वीकृत कार्य नहीं करता है, सभी से किस विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं? योजना एवं सांख्यिकी विभाग से जनभागीदारी योजना अंतर्गत आते हैं। किस तरह के कार्य दिए जाते हैं? निर्माण कार्य हैं जो पंचायतों द्वारा किए जाते हैं। इसमें कुछ निर्माण कार्य मुर्मीकरण टाइप से ग्रेवल रोड के नाम से भी दिए गए हैं, जो ऑलरेडी पहले से रोड डले हैं उन्हें फिर से इन्होंने स्वीकृत कर दिया गया है। मैंने योजना एवं आर्थिक आयुक्त योजना एवं आर्थिक को की है, मुख्य सचिव योजना एवं आर्थिक को की है, चुनाव आयुक्त को भी मैंने इनकी शिकायत की है कि इतने लंबे वर्ष से ये कुछ भाजपा नेताओं को भी इसका लाभ पहुँचाने के उससे कार्य दिए गए हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए जानते हैं खास खबर पर। यह खबर है सटई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अतरार की। यहां पर जमीनी विवाद को लेकर और पुरानी रंजिश को लेकर चचेरे भाइयों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के बाद घायल अवस्था में इसे छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया और साथ में ट्रॉमा वार्ड में इसका उपचार किया जा रहा है। अतरार निवासी घायल देशराज यादव ने कहा है कि उसके चचेरे भाई जिनका आरोपी है रवि यादव भूरे यादव ने जमीनी विवाद को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पे जा रहे थे, उन्होंने छेक के मारा है। किस वजह से मारा है? ऐसे ही जमीन जमीन के चक्कर में। क्या जमीन चक्कर? ऐसे ही चाचा के लड़का भी आपने जमीन को चक्कर दे, उन्होंने छेक के मारा है। कोई झगड़ा नहीं था, ऐसे जमीन को झगड़ा चल रहा हूँ पूरी पूरी कर रहा भाई भाई ऐसी जैसी ढंग से नहीं पड़ी है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सटई के अंतर्गत आने वाली माध्यमिक शाला विजयपुर में 19 अप्रैल से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिला है। बीआरसी पर लेनदेन के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीआरसी की सांठगांठ के चलते यहां पर मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। विजयनगर के स्कूल में तेजस्विनी स्वसहायता समूह द्वारा खाना बनाया जाता है। पहली बात तो ये कि यहाँ कभी भी मीनू के अनुसार भोजन बढ़ता हुआ नहीं देखा गया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। सीएससी देवेंद्र रेगवार का भी कहना है कि जितनी बार भी निरीक्षण करके गए तब तक उन्हें मीनू अनुसार खाना बढ़ता नहीं मिला। शिकायतों के बावजूद बीआरसी रामप्रकाश चौरसिया द्वारा कोई भी कार्यवाही न करना एक सवाल खड़ा करता है। लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि बीआरसी रामप्रकाश चौरसिया सांठगांठ करके इस तरह की व्यवस्था को चलने दे रहे हैं और बच्चों के मध्यान्ह भोजन को गायब किया जा रहा है। मैं 9 तारीख को अनुशासन के लिए गया था तो मैंने देखा कि MDM रसोईया घर से बनाकर ला रहे थे। मैंने लिखा भी रजिस्टर में, आपने पता किया होगा, और इस संबंध में मैंने कल ही बीआरसी कार्यालय में पत्र भी दिया है और आज शिक्षक महोदय ने आज भी पत्र दिया, वो भी मैंने व्हाट्सएप पर दिया है बीआरसी के लिए। तो मतलब आपने लिखित शिकायत की है अपने अधिकारियों से? बीआरसी कार्यालय पत्र दिया कल मैंने। तो सर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अब सर कार्रवाई करना तो अधिकारी का काम है, हमारा काम तो जानकारी सूचना देना। मतलब जो मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी है ये शुरू से ही है?
अब सर मैं जब से आया हूँ मैं देता हूँ तो हर महीने जाता हूँ तो मुझे तो मतलब मीनू अनुसार नहीं मिलता है। आपने भी देखा होगा, गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा मैं बकाया लिख के आता हूँ। तो मैं 9 तारीख को गया था, 9 के बाद अन्य सालों को वही देखना पड़ता है, तो वहाँ तो नहीं जा सका। मैं देखता हूँ कल परसों जा करके और प्रयास करूँगा कि वहाँ पर सुधार हो। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। चंदला के अंतर्गत आने वाली शासकीय माध्यमिक शाला भगोरा के हाल काफी बुरे हैं। मध्यान्ह भोजन की अगर बात करें तो मध्यान्ह भोजन मेन्यू के अनुसार तो मिलता ही नहीं है। खाने की क्वालिटी भी इतनी घटिया होती है कि कई बार बच्चे खाना फेंक कर आ जाते हैं। बच्चों ने बताया कि तहरी और खिचड़ी के अलावा रोटी शायद ही महीने में कभी देखने को मिले। इसके अलावा भोजन में इतने कंकड़ कीड़े मकोड़े होते हैं कि खाना छोड़कर उनको आना पड़ता है। इस घटिया मध्यान्ह भोजन खिलाकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जो इसके पीछे मुख्य वजह है वो ये है कि दरअसल समूह के संरक्षक धनेश सोनी हैं जो कि CSE पद पर काबिज हैं। गंगा स्व सहायता समूह द्वारा यहाँ पर खाना बनाया जाता है और इस समूह की सचिव उनकी भाभी जी हैं। बस यही वजह है कि समूह पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। धनेश सोनी से जब इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि जब पूरे क्षेत्र में मीनू के अनुसार भोजन नहीं बंटता है तो वे क्यों बंटवाएं? जैसे सर वो कम खाना मिलता है और इसी में वो पाई निकलती है, मकड़ी निकलती है। अच्छा, मीनू के अनुसार खाना मिलता है? नहीं। आज कौन सा डे है? आज गुरुवार है। क्या आज खाना मिलना चाहिए मेनू के अनुसार? कढ़ी चावल। और क्या मिलना है आपको आज? खिचड़ी। खिचड़ी, अच्छा। रोटियां महीने में कितने दिन मिली हैं आपको? सर एक दिन। एक दिन। और आपने इसकी शिकायत नहीं की अपने सर जी से? की थी। क्या बोले? सर जी कहते थे कि बनवाएंगे। किस नाम से स्व सहायता समूह चल रहा है? गंगा स्व सहायता समूह के नाम से समूह है जिसकी सचिव प्रेमरानी सोनी है, लेकिन उस समूह का संचालक हमारे यहाँ पदस्थ CSE धनेश सोनी है। ये समूह को बार बार अवगत कराया जाता है कि आप अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू रखिए, मेनू के अनुसार भोजन नहीं बनता है, बिल्कुल बात सही है। अगर हम बोलते हैं तो वो CSE हम लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। बच्चों को दबाया जाता है रसोईया के द्वारा, रसोईया चूंकि उसी समूह की सचिव है, जब सचिव है तो वो खाना भी कम बनाती है, खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कमजोर है। बनने की स्थिति अगर आपको बताई जाए तो चूंकि रसोई घर नहीं है हमारे पास तो बनता तो खाना वहीं पे है खुले में, लेकिन सफाई का ध्यान उनके द्वारा नहीं रखा जाता है। इसके लिए भी स्कूल प्रबंधन उन लोगों को बार बार अवगत कराता रहता है। रही बात मेनू अनुसार न बनने की, वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि CSE कहता है कि जब पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं नहीं बनता तो मैं क्यों बनवाऊं, मैं भी नहीं बनवाऊंगा। और अगर हम किसी को अधिकारी को बुलाते हैं तो वो अधिकारी उसे पूछताछ घाट करता है क्योंकि वो स्वयं एक पद पर पदस्थ है हम लोगों के यहाँ पर। ये दिक्कतें आ रही हैं जो यहाँ पर बच्चों को खाना नहीं ढंग से मिल रहा है, तो क्यों आ रही हैं ऐसी दिक्कतें? हम अपने घर ले जाती है, उन्हें देती है कुछ। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।